इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कनावा के श्याम मुरत व श्याम मुरत यादव दो भाई है, जो कि अपने पुश्तैनी आबादी जमीन पर करीब 50 वर्ष से मकान बनाकर रहते थे, लेकिन उन्हीं के बगल में हंस वाहिनी के विद्यालय के दबंग प्रबंधक शिव मुरत व मनोज व प्रमोद व हर्ष आदि लोगों ने कुट बनाकर श्याम सूरत यादव, श्याम सूरत की पत्नी व श्याम सूरत की लड़की व श्याम सूरत का नाबालिग लड़का व राम मुरत को अचानक आकर मारने पीटने लगे, औरतों को पकड़कर खींचने लगे, साड़ी फाड़ने लगे, मार मार के बुरा हाल कर दिया। इसके बाद शिव मुरत अपने परिवार को लेकर थाना मडियाहू जाकर तहरीर दिया, जिसमें प्रशासन द्वारा सरकारी अस्पताल पर ले जाकर डॉक्टरी मुआयना कराया गया, जिसमें शिव मुरत यादव की पत्नी को जौनपुर रेफर कर दिया गया। इंडियन टीवी न्यूज पर जौनपुर से शादाब अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? क्या मामला है, कैसे आपको चोट लगी है? दीवार बनत रही, ढकेल दिए, ढकेल एक बार हम गए जब दौड़ी जवानों में गिरा के ढोकर चाप के लगे मारे, जान मारा मारे बदे कह रहे। कौन मारा है आपको? मनोज सिमुगर। अच्छा, हंस। ये कौन है, आपके पड़ोसी हैं? कौन ना है? बुजुर्ग का कहाँ है, हम कनाए भाई ने। अच्छा, ये लोग बुजुर्ग का हैं जो मारे हैं? बुजुर्ग का हम कहाँ है, कनाए में मारे हैं, कनाए में वादी ले बदे मार घर बसा ससुर मार मर गया ना मेरे बाप। तो आप थाने गई थी? हाँ, थाने पे गए। कौन सा थाना है आपका? मड़िया। हाँ। क्या बोले वहाँ? आप कुछ पूछ बहना है की हैं। अच्छा, क्या बोली? तो यहाँ कौन भेजा आपको, सरकारी अस्पताल? हाँ, तू दरखास्त पड़ी है तो वहाँ वहाँ आपको प्रश्न पत्र पड़ा है तो यहाँ आपको भेजे। हाँ। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? जौनपुर। यहाँ से रेफर किए हैं जौनपुर? यहाँ से रेफर किए जान से मारे। चोट हाथ में लगी है? हाँ, लगी। और कहाँ लगा है चोट? तो एकदम चोट हाथ दिखाई दे। क्या नाम है आपका? श्याम सूरत यादव। कौन सा गांव है? कनावा। क्या मामला है आपको, कैसे चोट लगी? जमीनी विवाद में। हम्म। घर बना था, उसको धक्का मार के गिरा दिए। और कौन गिरा? कौन गिरा? शिव मुरत, हंस यादव, मनोज यादव, प्रमोद यादव। अच्छा, कहाँ के हैं रहने वाले? गांव सभा बुजुर्गा। बुजुर्गा आपका मतलब घर कनाई में है? कनावा में। इन लोगों का बुजुर्गा में? बुजुर्गा में। तो वहाँ जाकर विवाद क्यों, कैसे हुआ? उनका स्कूल है। अच्छा, स्कूल है वहाँ। तो वहीं आप बना रहे थे? तो वहाँ विवाद क्यों हुआ? विवाद ये हुआ कि उनका स्कूल है, उनके नाम से है, ये आवास है, आवास आया था सरकारी जमीन। अच्छा, आबादी। अच्छा, किसी किसको चोट लगी है? तीनों जन को। आप लगी है? ये कौन है? ये भतीजा है। आपका भतीजा है। कहाँ चोट लगी आपको? सर में। सर में और पीठ पे। अच्छा, क्या नाम है? रवि यादव। रवि यादव। ठीक, तो मड़ियाहूं थाने में एप्लीकेशन दिए कि नहीं दिए? हाँ, दरखास्त। प्रश्न पत्र दे दिए वहाँ? क्या बोले वहाँ से? बोले आप जाके सरकारी अस्पताल में कराइए। अच्छा, नाम है आपका? श्याम सूरत। कौन सा गाँव है? कनावा। ये बताइए क्या समस्या है आपका? समस्या जमीनी विवाद के विषय में, घर बना रहे थे। अच्छा, तो उसी पे आए ढकेल दिए, हम लोग थे नहीं, सिर्फ औरत थी, और तो बोली तो उसको चारों आदमी मारने लगे। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे चोट आया? हम लोग जब देखे इनके ऊपर मार पड़ने लगे। हाँ। तब पहुंच गए उस समय। हाँ। थे घर के पीछे साइड में। जिसको मार रहे थे उसका क्या नाम है? मीरा देवी। मीरा देवी। तो कौन है आपकी? आपकी कौन है? पत्नी। आपकी पत्नी है। अच्छा, तो कौन कौन मार रहा था? शिव मुरत यादव। हाँ। पुत्र इंदर। अच्छा। हंस यादव, मनोज यादव, प्रमोद यादव। कहाँ के हैं ये?
गांव सभा बुजुर्ग चला गया। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।